ॐ शुभानि देव सवितर गुरुतानि पराशुभा यद्भद्रंतन्याशुभा ॐ शांति शांति शांति। महामहिम श्री बंडारू दत्तात्रेय जी राजपाल हिमाचल प्रदेश, श्री कमरपाल गुर्जर जी पर्यटन मंत्री हरियाणा सरकार, श्री रणवीर सिंह गोलन चेयरमैन हरियाणा पर्यटन निगम, श्रीमती सीमा तीखा विधायिका जी खटबल, श्री विजय वर्धन अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन विभाग हरियाणा, मेरी सचिव डॉक्टर जी अनुपमा, श्री निवास यादव प्रबंध निदेशक प्रशासनिक अधिकारी गण, पत्रकार एवं छायाकार बंधु, उपस्थित भाइयों बहनों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, दर्शकों एवं शुभचिंतकों, देश की हस्तशिल्पी और हथकरघा परंपरा को प्रदर्शित करने वाले सूरजकुंड शिल्प मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे मेले के सफल आयोजन के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और हरियाणा पर्यटन विभाग को हार्दिक बधाई देता हूँ। और देश विदेश से आए सब महानुभावों, कलाकारों, दर्शकों का स्वागत करता हूँ। मानव सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने के में हस्तशिल्प और हथकरघा का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः शिल्पियों को विश्व सभ्यता के नहीं हुआ शिल्पी भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानव जीवन में कला, संस्कृति और संगीत का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए मेला इन तीनों का एक अद्भुत संगम है। विश्व के 30 देशों के कलाकारों कृतियों की प्रस्तुतियों से इस मेले में समूचे विश्व संस्कृति की झलक मिलती है। इस साल उज्बेकिस्तान ने इस मेले में सहभागी देश के रूप में भाग लिया है। इतिहास में उज्बेकिस्तान और भारत के संबंधों की जड़ें बहुत गहरी है। व्यापारिक संबंधों के साथ साथ वास्तुकला, नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक संबंधों में भी एक दूसरे का गहरा योगदान है। उज्बेकिस्तान में बहुत ही लोकप्रिय रहा है। इसके साथ साथ भारतीय सिनेमा उज्बेकिस्तान में बहुत लोकप्रिय रहा है। मेरा मानना है कि हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेले में सहभागी देश के रूप में भाग लेने से भारत और उज्बेकिस्तान के संबंध निश्चित रूप से और मजबूत होंगे। और भी खुशी हुई है कि 34वें सूरजकुंड शिल्प मेले में हिमाचल प्रदेश के त्योहार उत्सव बेहद खास होते हैं, क्योंकि प्रदेश का हर उत्सव देवी देवताओं से जुड़ा होता है। हिमाचल के मंदिरों और उत्सवों के इस निराली संस्कृति का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान है, जो देश के सांस्कृतिक रूप में मजबूती प्रदान करता है। मैं हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विभाग की सराहना करता हूँ, जिसने इस मेले में बहुत ही अच्छे शिल्पकारों और लोक कलाकारों को शामिल किया। महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी अपनी भाषण में कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में ग्रामीण भारत की झलक दिखाई दे रही है। उन्होंने हरियाणा सहित हिमाचल प्रदेश व उज्बेकिस्तान की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और मेले को सुरीला संगम बताया है। यह हम सबको गौरवान्वित करने वाला है। राष्ट्रपति जी ने
जो भीष्टर बुक में टिप्पणी दी है, यह मेला युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, विशेषकर छात्रों को भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत करने वाला है। मेले में भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में एकता का विहंगम नजारा देखने को मिला। हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल भले ही छोटा राज्य हो, यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। उनका यह कथन हम सबको प्रोत्साहित करने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों के शिल्पकारों द्वारा बनाई गई हथकरघा वस्तुओं को मेले में एक पटल मिला है, जिससे उनकी कृतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। फैशन इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम से जुड़ने से हथकरघा वस्तुओं को व्यवसाय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई पहचान दी है। और मुझे गर्व है कि सूरज कुंड शिल्प मेला कला देश और शिल्प को बढ़ावा देने के साथ साथ देश विदेश के कला पार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा मंच बन गया है। इस मेले में निर्यातकों का खरीदारों को आमने सामने मिलने का अवसर तो प्राप्त होता ही है, कलाकारों को भी अपनी कला को अधिक निखारने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में बिहार राज्य से भी कुछ शिल्पकार आए हैं। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है ना, इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प के मेले में बिहार राज्य से भी कई शिल्पकार आए हैं, जिन्होंने बिहार की मधुबनी मिथिला पेंटिंग का प्रदर्शन किया है। कहूँगा ग्रामीण क्षेत्र से निकले हुए बिहार के शिल्पकारों व चित्रकारों का, जिन्होंने मधुबनी पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है। मुझे पता चला है बिहार में श्री मनोज कुमार, श्रीमती बजुआ देवी, श्री मनीष कुमार, श्रीमती संगीता देवी, श्रीमती ममता देवी तथा श्री राम कुमार दत्ता अन्य शिल्पकार भी चित्रकार आए हैं। उन्होंने प्रिंटिंग साड़ी व अन्य वस्तुओं को स्टॉल लगाए हैं। सभी शिल्पकारों का कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय मेले में भागीदारी कर अपने आप को विश्व में जोड़ा। मुझे पूरी उम्मीद है इस साल का यह शिल्प कला देश विदेश के विभिन्न कलाओं और शिल्प की पहचान करने और उनको बढ़ावा देने में पूरी तरह कामयाब रहेगा। मेले में शिल्पकारों को सिर्फ पुरस्कार प्रदान करने के साथ साथ परंपरागत कला रत्ना, काला मणि, काला निधि, कला श्री पुरस्कार प्रदान किए जाने से निश्चय शिल्पकारों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। मैं मेले के आयोजकों को पुनः शुभकामनाएं देते हुए इसमें भाग लेने वाले शिल्पकारों, बुनकरों और कलाकारों एवं प्रदर्शकों के उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहा हूँ। अब पुरस्कार प्राप्त करने वालों को बधाई। इस अवसर पर मैं हरियाणा के मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद रोड़ोड़ा जी व उनकी पूरी टीम को विशेष बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने इतने शानदार कलरफुल मेले का सफल आयोजन किया है। इसके साथ साथ पर्यटन विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन जी और प्रबंध निदेशक श्री विकास यादव को भी शुभकामनाएं देता हूँ। श्री विजय वर्धन जी को स्वयं एक बेहतरीन कलाकार भी हैं। इनकी टीम ने दिन रात मेहनत की, जिससे संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया है, जिसे हरियाणा का नाम है। इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए सूरज प्राधिकरण को धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे आप लोगों से बिछोड़ने का इस हो रहा। आज
मुझे आप लोगों से बिछुड़ने का थोड़ा दुख भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इस आशा के साथ विदा हो रहे हैं कि अगले साल फिर कहीं सूरत कुंड में एक नए उत्साह जोश के साथ विशाल मेला लगेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने यहाँ के दर्शकों, हस्तशिल्पकारों, पदाधिकारियों सभी लोगों को जो धन्यवाद दिया, मैं भी अपने तरफ से राज्यपाल होने के नाते आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने इस कला को और भी आगे बढ़ाइए, जिससे हरियाणा का नाम रात दिन ऊंचा होता रहे, दिन दुनी चौक दुनी की कलाकार को आगे बढ़ने का अवसर मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल हरियाणा।